मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी निकल चला फिर एक नई सुबह। आज 77वां दिन और 33वां जिला पर हूँ, जयपुर। गोकुल डायमंड स्कूल में रुका था, मेरा रात्रि विश्राम वहीं हुआ है और अभी सुबह मैं शक्ति के लिए यहाँ से निकल करके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा 77वां दिन है और 33वां जिला में हूँ। तो आगे चलो, देखते हैं शक्ति रूट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे, आगे किसी से मुलाकात होगी। तो अभी ये देखिए, मैं शक्ति के लिए जयपुर से निकल गया हूँ। यह ठठारी गांव में देख रहे हैं आप, ठठारी गांव, ये भारद्वार के पास ही पड़ता है ठठारी। तो ये ठठारी है शक्ति जिला, ठठारी से आगे जाना पड़ेगा, डुमरगांव, डुमरगांव से रानी गांव, रानी गांव से जेठा होते हुए मैं शक्ति निकलूंगा। ये देखो बरगद की झाड़ से देखो कैसे ये डगाल झुली हुई है, ये ठठारी गांव है। ठठारी गांव में भाई साहब लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने नाश्ता कराया और भाई साहब इन्होंने नाश्ता कराया था, वो तो यहाँ से चल दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ से शक्ति जाऊँगा, 15 किलोमीटर है। तो कौन सा गांव है? दर्रा भाटा है ये। तो यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाएगा शक्ति? शक्ति यहाँ से कम से कम 30 किलोमीटर, समथिंग 30 किलोमीटर मैं अभी जाऊँगा। तो सोच रहा हूँ 12 बजे तक पहुँचना। अब ये बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से टेंशन लेट राइट राइट बोल रहे हैं गूगल भाभी। तो इधर जाना पड़ेगा राइट में, यहाँ से इधर शक्ति जाएगा, वो जो कार आ रही है वहाँ से। मैं आगे भारद्वार निकल जाएगा, इधर शक्ति, मैं शक्ति तरफ जाऊँगा आज। तो यहाँ से मुड़ना पड़ेगा, जेठा यहाँ से 8 किलोमीटर है डुमरपारा। ये देखो 6 किलोमीटर लगातार जाने के लिए बोल रही है, तो 6 किलोमीटर अपन लगातार चलेंगे, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये जेठा ग्राम पंचायत है, मैं पहुंच चुका हूँ जेठा और यहाँ से शक्ति जाना है जेठा से। ये जेठा गांव, ये देखो इधर शक्ति जाएगा, इधर भारद्वार। अभी सिग्नल बंद है, अभी ट्रेन आ रही है, तो अभी हमको ट्रेन देखने को मिलेगा किधर से आ रही है। देखो दिखाते हैं यहीं से आपको ट्रेन किधर से आ रही है, देखो ट्रेन। और ट्रेन जा रही है, फाटक बंद है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये देखो ये जेठा से लग जाता है बड़ा हाईवे रोड, यहाँ बहुत ज़्यादा आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, यहाँ बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो देख सकते हैं आगे बहुत बड़ा हाईवे रोड है, NH रोड, ये सीधा शक्ति लेके जाएगा। तो मैं शक्ति पहुंच गया हूँ, ये शक्ति है, यहाँ पहुंच गया हूँ शक्ति में। अभी बज रहे हैं 12:30। ये देखो यहाँ ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर, ये ऑटो, ये देखो इस पर जो हॉस्पिटल शक्ति लिखा हुआ है। शक्ति पेट्रोल पंप, सिटी सिटी। ये NH रोड है, बड़ा रोड, जहांगीर से रायगढ़ जाने वाला माल खरोदा सारंगढ़ शक्ति। मैं शक्ति से अभी निकला हूँ,
एनएच रोड पकड़ चुका हूँ। दूर दूर तक वो पहाड़ जो दिख रहे हैं, पत्थर ही पत्थर, अधिक घना पेड़ नहीं है वहाँ, थोड़ा पास से दिखेगा बाद में। शक्ति आएंगे तो ये पहाड़ सब देखने को मिलेगा, खरसियाँ उसके इधर देखो ये पहाड़। ये देखेंगे ये पलगड़ा है और उधर पलगड़ा के उस पार जाने का रास्ता है, मतलब उधर पहाड़ के उस पार जाने का, गांव जाने का रास्ता है। वो जो बाइक आ रही है, जहाँ से बाइक जा रही है देखो, ऊपर बाइक जाएगी वहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो उधर उस पार जाते हैं और इधर सीधा रायगढ़ के लिए जाएगा। मैं तो रायगढ़ तरफ जाऊँगा, अभी डामरिंग भी हो रहा है, बीच बीच में रोड ख़राब है, तो चलो चलते हैं सीधा। बरगढ़ पहुँच गया हूँ, बरगढ़ राज, ये बरगढ़ है। पत्थर का पहाड़ देख रहे हैं, बहुत ऊपर है ये पहाड़, वो पत्थर बहुत ऊपर, और आगे भी पहाड़ जो दिख रहा है वो भी बहुत ऊपर पहाड़ है। ऐसे रोड के किनारे किनारे मैं जाऊंगा, पहाड़ के किनारे किनारे रायगढ़, ये खरसिया के पास का ये पहाड़ है बरगढ़ पहाड़, जिसको बोलते हैं बड़ा पहाड़ है। ये बोतलदा है, ये देखो शिव मंदिर बोतलदा का, ये बहुत बड़ा शिव मंदिर है बोतलदा का। यहाँ से खरसिया 11 किलोमीटर है। रोड में लिखा है बाय। देखो भैया एक दीदी लोग बाय कर रहे थे। सीधा रायगढ़ और इधर राइट में यहाँ से जाएंगे आगे, आगे से तो खरसिया जाता है। इधर भुगदेवपुर और सीधा रायगढ़, तो मुझे रायगढ़ तरफ जाना है, भुगदेवपुर तो नहीं जा रहा हूँ मैं, रायगढ़ जाना है सीधा। ये यहाँ से रायगढ़ सिर्फ 18 किलोमीटर है, मैं पहुँचने वाला हूँ आज शाम तक रायगढ़। और देखो आज मौसम कैसे बनाया है, मतलब मौसम बादल छाया हुआ है, शाम का समय है, ये नदी है ये देख सकते हैं, ये रक्षापाली गांव है और इधर गांव जाते हैं, और ये मेन रोड है, ये रक्षापाली का बस स्टैंड दिखाता हूँ नाम रक्षापाली, ये देखिए इसमें लिखा है रक्षापाली, और सीधा रायगढ़ जाने का है। आज शाम तक मैं अपना मंजिल तक पहुँच ही जाऊँगा, रात तक भले देर रात पहुंचूं, लेकिन आज रायगढ़ पहुंचना है, माने पहुंचना है। अभी बजे हैं 5:35 हो रहा है, शाम हो चुका है, भले 7 बज जाए रात, यहाँ से 20 किलोमीटर है। इधर मुर्रा गांव है, तो मैं रायगढ़ क्षेत्र पहुंच चुका हूँ, ये रायगढ़ सिटी अंदर जाने का है। लाइट वाइट देखो कैसे जल रहा है, कंपनी क्षेत्र है ना। या मैं रायगढ़ पहुंच चुका हूँ, ये हमारा रायगढ़ शहर का नज़ारा देखेंगे। अभी मैं कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा हूँ, ये अपना रायगढ़ शहर देखो, मेरा नाम प्रमोद कुमार सिद्धार्थ है, मैं कमरगढ़
ले लूँगा अपना रायगढ़ जिले का आने वाला। अभी जिला मुख्यालय रायगढ़ में पहुँच चुका हूँ पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा करके। अभी तक मैं 33 जिला कंप्लीट करके आज 77वां दिन में मैं रायगढ़ पहुँचा हूँ। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मैं पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा किया, हर जिले पर कई कठिनाइयों को सामना करते हुए मैं दिन रात अपने लगन को प्रयासरत रख करके कई दिनों से मैं तो दोपहर में भोजन नहीं किया था, शाम को ही भोजन किया हूँ। और मैं ये यात्रा को लगातार एक सफल रूप से प्रयास करते हुए मैं आज अपने रायगढ़ जिला पहुँच करके समापन की ओर अपने गांव क्षेत्र में जाने का अगले दिन से मतलब कल जाने का है। और आज 27 दिसंबर 2022 आखिरी डेट पर है और 2023 लगने वाला है और मेरा यात्रा आज समापन की कगार पर है। मैं आने वाला समय के लिए पर्यावरण को सेफ रखने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा किया और लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बचे हुए जंगलों को बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि आने वाला समय में हमें श्वास के प्रति कुछ ऐसा दुर्घटनाजनक स्थिति देखने को ना मिले जैसे कोरोना काल में देखने को मिला। मुझे आशाएँ हैं कि आप लोग मेरा ये यात्रा को सफल बनाने के लिए सबका योगदान साथ रहेगा। धन्यवाद।